वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल किस तरीके से होता है, जहां पर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम से समझा इस चीज़ को। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमें प्लांट के अंदर किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, हमें प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है और प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। अगर ये एक प्लांट है, ये उसका रूट है, ये उसकी लीफ है, तो जो फूड होगा वो प्रिपेयर होगा लीफ में और जो वाटर होगा वो होगा सॉयल में। यहां पर सॉयल है तो सॉयल में क्या होगा, पानी होगा, और लीफ में क्या होगा, फूड होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि फूड को ऊपर से नीचे आना है, नीचे से यहां से ऊपर भी जाना है, यहां से इधर भी जा सकता है, यहां से इधर भी जाना है, लेकिन पानी को हमेशा कहां जाना है, ऊपर की ओर। तो जो फ्लो ऑफ फूड होता है ये मल्टी डायरेक्शन होता है और जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो हमेशा, वाटर वाला जो फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। यानी पानी को अगर जाना होगा तो एक डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगा, वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी। फूड अगेंस्ट द ग्रेविटी भी हो सकता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी भी होता है, किधर भी जा सकता है। तो फूड का जो फ्लो है वो मल्टी डायरेक्शनल है और जो वाटर का है वो क्या है, यूनि डायरेक्शनल है। अगली बात, हम लोग एक वर्ड और देख सकते हैं, ट्रांसलोकेशन। जब हम बात करेंगे वाटर के पार्ट की तो वाटर का होगा ट्रांसपोर्टेशन और जब हम फूड बोलेंगे तो फूड का होता है ट्रांसलोकेशन। पानी के लिए वर्ड हमेशा यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। अब हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग वाटर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे समझते हैं यहाँ ढेर सारा पानी है, जब पानी यहाँ पर ज्यादा होगा, फिर से देखिए वही ऑस्मोसिस वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ पानी ज्यादा है तो यहाँ का कंसंट्रेशन जो होगा वो लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी क्या है, कम है। पानी ज्यादा है तो कंसंट्रेशन लो, क्योंकि पानी ज्यादा होता है तो कोई चीज डाइल्यूट हो जाती है। और यहाँ जो स्टेम, ये रूट है, इस रूट का कंसंट्रेशन तो इसके कंपैरिजन में हाई हो जाएगा। यहाँ पर पाए जाते हैं रूट हेयर। रूट हेयर क्या करते हैं, पानी को ऑस्मोसिस के प्रोसेस से लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कराते हैं, यानी पानी लोअर से हायर की ओर मूव करेगा और रूट के अंदर भर जाएगा। लेकिन रूट के अंदर भर तो गया, लेकिन ऊपर कैसे जाएगा, अभी तो पानी सिर्फ अंदर की ओर आया है, तो जब ये अंदर की ओर आ रहा है तो वो ऑस्मोसिस से हो रहा है। लेकिन पानी ऊपर, अगर हमसे सवाल ये पूछा हाउ डस वाटर इज एब्जॉर्ब इन द प्लांट, तो हम जवाब देंगे ऑस्मोसिस। लेकिन अगर हमसे पूछेगा हाउ डस वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो हम क्या जवाब देंगे कि लगातार पत्ती में से ट्रांसपिरेशन होता है। अच्छा, ट्रांसपिरेशन होने से क्या होगा कि वाटर का लॉस होता है, यानी पानी निकलता रहता है। जब पानी सारा इसमें से निकलता रहता है, उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो वैक्यूम से एक सक्शन पुल लगता है, ये हिचाव लगता है। तो ये जब सक्शन पुल लगता है तो ये पानी ऊपर चलता है। तो रीजन क्या हुआ, ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल। अगर हमसे कोई पूछे पानी नीचे से ऊपर क्यों गया, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल का मतलब ट्रांसपिरेशन होने की वजह से प्लांट क्या होता है, वाटर को लॉस करता है। वाटर को लॉस करने की वजह से पानी जो होता है, ये यहाँ से लॉस होने वैक्यूम क्रिएट कर देता है। वैक्यूम क्रिएट होता है तो वही वैक्यूम क्या करता है, पानी को अपनी ओर खींचता है और उसी को हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि प्लांट में ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। ट्रांसपिरेशनल पुल इसलिए होता है क्योंकि प्लांट ट्रांसपिरेशन करता है। प्लांट ट्रांसपिरेशन इसलिए करता है क्योंकि जब वो पानी, जब अपने अंदर ट्रांसपिरेशन करता है तो वो ठंडा फील करेगा, तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन करता है। तो इसी फिनोमिना से ये पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। अब पानी दो तरीके से चढ़ सकता है, एक हो सकता है एक एक सेल में चढ़े, पहले ऐसे
और ये भी हो सकता है कि पूरा उत्तक चढ़ जाए, एक साथ ही चढ़ जाए। तो जब एक एक साथ पड़ता है तो उसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। अगर हमारे एग्जाम में आता है कि एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, तो हम बताएंगे कि वाटर जो होता है पहले इस सेल में भराएगा, फिर इस सेल से इस सेल में भराएगा, फिर इस सेल से, यानी जो सेलुलर लेवल पे वाटर का फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, नहीं तो उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। आगे चलते हैं इसके बारे में। ये जो सारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो जाइलम की वजह से होता है। किसकी वजह से? जाइलम। और जाइलम के चार मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहली चीज होती है ट्राइकीट्स, पाइप है, वेसल पाइप है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्कैब्रेन्काइमा। ये लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू, ये लिविंग, स्कैब्रेन्काइमा क्या होता है? डेड टिश्यू। एग्जाम में आ चुका है कि जाइलम का कौन सा पार्ट डेड होता है, तो बता देंगे जाइलम स्कैब्रेन्काइमा। कुछ बुक में इसी का हम जाइलम फाइबर्स भी लिख सकते हैं। कैसे ये चीज प्रूफ होगी कि जाइलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में? हम अगर एक गमले में लगा हुआ पेड़ है, और इस पेड़ में से किनारे का पोर्शन हम निकाल देते हैं, तो ये जाइलम निकाल दिया, क्योंकि जाइलम पेरिफेरी पे होता है, बीच में फ्लोएम होता है, तो पानी जो होगा वो जाएगा ऊपर तक, लेकिन क्योंकि जाइलम हटा दी तो यहीं पर जाके इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ बल्ज हो जाएगा, और यहाँ के जो टिश्यूज होंगे वो धीरे धीरे डेड होने लगेंगे। क्यों डेड हो रहे? क्योंकि जाइलम तो आप निकाल दिए हो यहाँ से, तो यहाँ से ये बात प्रूफ हुई कि जाइलम ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपने निकाला किसको था? जाइलम। इसी वजह से पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा और यहाँ पर बल्ज हो जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूफ करते हैं कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। अब हम लोग आगे की बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन द केस ऑफ फूड। फूड यहाँ प्रिपेयर्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस से नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो मैंने बताया फूड हमेशा क्या होगा? मल्टी डायरेक्शनल होगा। ये बात कैसे प्रूफ करेंगे कि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्योंकि फ्लोएम के पास भी अगर हम चेक करें तो चार पार्ट, पहला पार्ट जो होता है इसका क्या होता है? शीव ट्यूब, कंपेनियन शेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्कैब्रेन्काइमा, जो भी बुक में अलग अलग नाम से लिखा जाता है। अब अगर हम इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट को ऐसे कर लें कि अब कि हम प्लांट का बीज का पार्ट निकाल दें, क्योंकि मैंने बताया है कि फ्लोएम बीच में एग्जिट करता है और फूड प्रिपेयर होता है ऊपर से, मान लो यहां से लीफ में प्रिपेयर हुआ, जब नीचे आने लगा तो वहां पर क्या हुआ? यहां पर तो फ्लोएम रिमूव कर, ये पोर्शन अब डेड होने लगा और यहां पर बल्जेस निकलने लगे, तो यानी फूड का डिपोजिशन यहां होने लगा कि फूड नीचे नहीं आ पा रहा, ये सड़ने लगा। तो इस बात से प्रूफ हुआ कि फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन में। अब ये पूरी बातें हुई हमारी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे होता है। हमें पानी को मूव कराना है और हमें फूड को मूव कराना है। फूड एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करता है। एक्टिव मतलब होता है कि जब एनर्जी लग जाए, पैसिव मतलब होता है जब एनर्जी नहीं लगे, यानी अगर फूड को ऊपर से नीचे आना है तो एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन इसी फूड को ऊपर जाना है तो एनर्जी लगेगी। तो ये अगर ऊपर की ओर जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये बातें हुई ट्रांसपोर्टेशन इन द केस ऑफ प्लांट की।